नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के खास ऑडियो बुलेटिन में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर, पीएम मोदी ने जताई खुशी। रानी लक्ष्मीबाई के 193वें जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में जुटेंगे रूस, ईरान समेत 7 देशों के एनएसए, अफगानिस्तान के हालात पर अहम सुरक्षा मंथन। एनसीबी के सामने आज पेश हो सकते हैं आर्यन खान, वसूली केस में शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से एसआईटी करेगी पूछताछ। भोपाल के अस्पताल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत, शिवराज सरकार ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। कोवैक्सीन लेने वाले अब बिना परेशानी कर पाएंगे ब्रिटेन यात्रा, 22 नवंबर से इंग्लैंड खोलेगा दरवाजे। फाइजर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वालों में कोरोना से संक्रमित लोगों से ज्यादा एंटीबॉडी, स्टडी में हुआ खुलासा। आरबीआई ने बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक पर की कार्यवाही, ग्राहक अब निकाल पाएंगे सिर्फ 5,000 रुपए, नहीं मिलेगा लोन और एडवांस। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत से किया अपने सफर का अंत, नामीबिया को 9 विकेट से हराया। पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे मारपीट के आरोप में गिरफ्तार, बुरी तरह घायल एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।